आज ये हमारी पुलिस फोर्स के हमारे रिटायर एएसआई साहबान, इनकी जो डिमांड है कि इनको 96th पेंशन का बेनिफिट मिले, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। इन भाइयों ने 35 साल 40 साल जम्मू कश्मीर की, मुल्क की, हम सब की सेवा की है। मेरी ऑनरेबल सीएम महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इनका जो जायज़ मसला है उसको हल होना चाहिए, इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इनमें से कई हमारे भाई, उनकी डेथ भी हो चुकी है, उनके पीछे फैमिलीज हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और मुझे यकीन है अपनी सीएम साहिबा पे, क्योंकि जब से उन्होंने ये सत्ता संभाली है जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, जिसके लिए हमारे पुलिस फोर्स के हमेशा आगे रहते हैं, अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं। और जो मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर का अमन प्लस रियासत बने, खुशहाल रियासत बने, ये उसका हिस्सा है। मैं अपनी सीएम साहबा से, जो कि हर वक्त लोगों की समस्याएं, लोगों के जो दुख दर्द उसको हल करने के लिए हमेशा ही वो आगे रहती हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि ये भी अपनी इज्जत से सुकून की ज़िंदगी जी सकें और अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकें। कि मैं अपनी एज ए PDP डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी ये हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मसला पूरी तौर पर जी पुलिस रिटायर्ड एक्सप्रेशन एजेंसी ने जो यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने कैब ने शमूलियत की है, उन्होंने तकरीबन पूरा प्रोग्राम बता ही दिया है। और मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पुलिसकर्मी हैं, ये 24 घंटे ड्यूटी करने वाले लोग हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा अर्का अपने जीवन का, जो ये देश के प्रति, अपने फर्ज के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति जो करके अब ये रिटायर हो चुके हैं। और ये गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि इनके परिवार की और इनकी सुध ली जाए और इनकी जो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है वो पूरी की जाए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे पॉलिटिशियन का, हमारे ऑफिस किरान का और हमारे जितने भी आम पब्लिक का, आम आवाम का ध्यान रखा है, ज़िंदगी भर उनकी खिदमत की है। क्योंकि ये लोग ड्यूटी करते हैं और हम लोग घरों में महफूज हैं, इनकी वजह से हमारी फैमिली महफूज है, इनकी वजह से हम महफूज हैं। जब ऐसे वाक्य आते हैं तो एक उर्दू आलम के बोल सामने आ जाते हैं, जो अपने अंदाज में लिखता है, जिन पे शाया करते करते पेड़ बूढ़ा हो गया, उफ वही बेताब हैं जड़ से मिटाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम एक एक निशानों से लेकर अपनी गवर्नमेंट को बार बार हर 10 मई को यही बात कहते हैं कि हमारा जो पे का वेरिएशन है, हमें जो डिग्रेडेड किया था 5th पे कमीशन में, तो उसको लागू किया जाए। तो 4 साल से हम शहीद भगत सिंह पार्क में अपना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आज तक हमारी किसी ने भी खबर नहीं ली। आज हम धन्यवादी हैं अपने PDP के प्रेसिडेंट सरदार सुंदर जी से कि कम से कम वो हमारे मंच पर आए और हमारी जो मुश्किलें हैं वो उन्होंने सुनी। और हमारे साथ उन्होंने वायदा किया है कि मैं 22 तारीख के बाद, असेंबली ख़त्म होने के बाद, मैं आपकी डिमांड आपके साथ PDP ऑफिस में जाकर महबूबा जी से मिलूँगा, मिलाऊँगा, अपनी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हल करना और उनको दिखाना वो हल करेंगे, क्योंकि हमारा कोई ज़्यादा अमाउंट तो बनता नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ की प्रॉब्लम है। हमें 6 करोड़ पे अगर गवर्नमेंट देती है तो हमारी जो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी हल हो जाती है। हमारे जो शहीद हुए जवान, उनका जो हक है, उनके लिए भी 6 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा है, तो बहुत काफ़ी है, उसमें से हम अपना पूरा हमारा मसला हल हो सकता है। तो इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम जल्दी से जल्दी 20 तरीके बाद आपको महबूबा जी से मिलाएंगे और आपकी जो डिमांड है वो हल कराएंगे। ये मेरा धर्म रहा, मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि ये मैं खड़ा करूँ, तो उसके
बाद हम इनके और मीडिया के जो हमारी बात को हर टाइम लाइट हाईलाइट करते हैं, हम इन दोनों के धन्यवाद। हमारा राज्य आतंकवाद ग्रस्त है और कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी के साथ हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ दिया है और अभी की उसी के परिवार का हिस्सा है, तो क्या आज तक सौतेला व्यवहार किया जाता रहा सरकार द्वारा? देखो, जब मिलिटेंट की गोली आती है, एक गोली में अगर तीन राउंड पर खड़े होते हैं तो एक के साथ आर्मी वाला जवान शहीद होता है, एक के साथ पैरा मिलिट्री का जवान शहीद होता है और एक पुलिस का जवान शहीद होता है। शहीद हम होते हैं एक ही मिलिटेंट की एक ही गन से तीन गोलियों से, लेकिन जो हमारे साथ सोलह में बाहर होता है आर्मी वाले को बेनिफिट और मिलता है, पैरामिलिट्री वाले को और मिलता है, लेकिन हमारे पुलिस वाले का तो राबी सारा है। हमें जो मिलता है वो अपने पुलिस वेलफेयर फंड से मिलता है, गवर्नमेंट हमें मामूली सा फायदा देती है। तो हम ये भी गवर्नमेंट को कहना कहेंगे जब महबूबा मुफ्ती मिला होगा कि अगर हम एक गोली से तीन शहीद होते हैं तो कम से कम उस शहीद होने के बाद तो हमें बराबर देखो, तो ये हम जरूर बात करेंगे और हमारे साथ व्यवहार हो